थोड़ा नीचे कर लो, माइक नहीं है। आपदा के बाद हमारी सरकार का ये प्रयास रहा कि सब फटाफट से टूरिज्म का जो उद्योग है उसको रिस्टोर किया जाए। हमें खुशी है कि हमने सड़कों का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया है और मनाली तक सभी सड़कों को खोल दिया गया है। दूसरी खुशी ये है कि आज जो ये जुन्गा है, यहाँ पैराग्लाइडिंग का पहला ये कंपटीशन होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम शिमला में होने जा रहा है। जो पर्यटक यहाँ आएंगे तो जुन्गा में भी उनको पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। और अभी कुल्लू दशहरा आने जा रहा है, उस कुल्लू दशहरा का टीजर हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी ने वहाँ लॉन्च किया है। पहली बार कुल्लू दशहरा में, जो कि आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, पुनः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 20 देशों के लोग इस कुल्लू दशहरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमें कुल्लू दशहरा में काफ़ी संख्या में कुल्लू मनाली पर्यटक आने की संभावना है। मैं सभी हिंदुस्तान के जो भी प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो भी हिमाचल में घूमना आना चाहते हैं और स्वच्छ वायु और का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है, पूरी तरह से खुला हुआ है और आप निश्चिंत होकर आइए, निसंकोच होकर आइए, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, केंद्र को चिट्ठी